नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अरविंद में। जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी आ चुकी है और जिसमें कि काफ़ी लंबी वैकेंसी और ज़्यादा वैकेंसी है, लेकिन इस वैकेंसी में हम अपनी सीट सुनिश्चित कैसे करें, इसके लिए हमारी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, प्लानिंग क्या होनी चाहिए, इसके लिए आज की हमारी वीडियो डेडिकेटेड है। तो आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की वैकेंसी कितनी है, तो 3435 पोस्ट है। वहीं मध्य प्रदेश में सब असिस्टेंट इंजीनियर की भी वैकेंसी को इंक्रीज कर दिया गया था, जिसको पोस्ट मात्र 19 थी, जिसको बढ़ा के 478 कर दिया गया है, जो कि मध्य प्रदेश इंजीनियर ग्रुप के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जिसके ऐसी अपॉर्चुनिटी एक साथ कभी नहीं आती है। तो इसके लिए मध्य प्रदेश इंजीनियर को सतर्क हो जाना चाहिए, साथ ही एक अच्छे कंटेंट के साथ, एक अच्छी स्ट्रेटजी और प्लानिंग के साथ पढ़ना चाहिए। जैसे कि अबाउट मी माई सेल्फ अरविंद यादव, हियर इज माई कॉन्टैक्ट नंबर। जैसे कि सब इंजीनियर की वैकेंसी कितनी है, तो 3435 पोस्ट हैं। वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी कितनी है, तो 478 हो चुकी हैं, और जो कि काफ़ी लंबी वैकेंसी है और दोनों पोस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट, एक सिविल इंजीनियर के मायने या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या मैकेनिकल इंजीनियर के मायने रखती हैं। तो इससे पहले कि सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको नॉन टेक टॉपिकों को पढ़ने में दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमारे चैनल पर, हमारे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी मध्य प्रदेश सब इंजीनियर की सीरीज चल रही है, और जो सीरीज में ऑलरेडी हमने 17 वीडियो बना चुके हैं, और जो कि मध्य प्रदेश नॉन टेक पोर्शन के हर टॉपिकों को काफ़ी डीपली और स्ट्रांगली एक्सप्लेन किए हुए हैं। हर टॉपिकों को, एक क्वेश्चन के चार ऑप्शन होते हैं, तो चारों ऑप्शनों को हमने वन बाय वन अच्छे से एक्सप्लेन किया है, जो कि सिर्फ आपको नॉलेज को ही, आपके नॉलेज और स्किल को बढ़ाएगा। जैसे कि बाकी टीचर पढ़ाते हैं तो सिर्फ एक क्वेश्चन का आंसर ही बता देते हैं, लेकिन हमारे यूट्यूब चैनल पर हम चारों ऑप्शनों को एक्सप्लेन करते हैं, जिससे कि आपको आगे आने वाले सवालों में दिक्कत नहीं होती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपकी पढ़ाई काफ़ी और कंटिन्यूअस, क्योंकि आपको खुद पता है कि 6 जून जो कि काफ़ी कम समय है, 2022 केवल 66 दिन बचे हुए हैं। आज अगर अप्रैल, मई और जून के 6 दिन को ऐड करें तो टोटल 66 दिन बचे हैं, और 66 दिन में अगर अच्छे यूट्यूब चैनल से नहीं पढ़ेंगे तो आपका सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के बारे में। तो जैसे कि फॉर्म फिल हो पा मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए, तो सब इंजीनियर का फॉर्म फिल होगा 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में, उसके एग्जाम होंगे 6 जून को, यानी 66 दिन बचते हैं। उसके बाद करेक्शन फॉर्म का 9 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में होगा, और फॉर्म की फीस कितनी होगी, तो 500। वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए फॉर्म की फीस 250 होगी। उसके अलावा जनरल कैटेगरी के पोर्टल चार्ज कितना होगा, तो 60 रुपये ही होते हैं। तो इस तरह से हम ब्रीफली समझे तो 9 अप्रैल से 23 अप्रैल के बीच में फॉर्म फिल होगा, एग्जाम 6 जून को होगा, करेक्शन फॉर्म का 9 अप्रैल से 28 अप्रैल के बीच में होगा, और फॉर्म फीस होगा एग्जाम जो कि 66 दिन बाद होगा। इसलिए आपको नॉन टेक और टेक्निकल दोनों पोर्शनों को काफ़ी स्ट्रांगली और काफ़ी सिस्टमेटिक पढ़ना होगा, जो कि स्ट्रांग स्ट्रेटजीज के साथ पढ़ने से आपका सिलेक्शन सुनिश्चित होगा। तो वैकेंसी कितनी है, जो कि पोस्ट 3435 सब इंजीनियर की वैकेंसी है, और ये ऑफिशियल नोट अनाउंस हुआ है, नोटिफिकेशन में ऐसा मेंशन हुआ है। उसके बाद जो कि स्टूडेंट की काफ़ी प्रॉब्लम रहती है कि अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं या नहीं, तो अदर स्टेट वाले बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट वालों को आपको पता है कि मध्य प्रदेश की पीईबी की साइट पर आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद आपकी प्रोफाइल बन जाने के बाद आपको मध्य प्रदेश प्रोफाइल बनने के बाद आप यहाँ के एग्जामों में एलिजिबल हो जाते हैं। उसके बाद मैक्सिमम एज क्या होगी, तो मैक्सिमम एज 18 से 40 होगी, वहीं रिजर्व कैटेगरी के लिए 45 ईयर होगी। उसके बाद बेस्ट यूट्यूब चैनल कौन सा है जो नॉन टेक्निकल के लिए, तो जैसा कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है कि नॉन टेक के लिए बेस्ट चैनल कौन है, तो नॉन टेक के लिए सबसे बेस्ट चैनल यूट्यूब स्टडी विथ अरविंद है, जो कि हमारा खुद का चैनल है, जिसमें हम हर टॉपिकों को काफ़ी डिटेल में पढ़ाते हैं, और अभी आगे भी वीडियो बहुत सारी आती रहेंगी, जो कि आपको काफ़ी नॉलेज और काफ़ी, जो कि सिर्फ सब इंजीनियर को ही टारगेट रख के की जाती है। और जैसा कि आपको पता है कि हम हर क्वेश्चन को, प्रीवियस ईयर पेपर को अच्छे से डिटेल में स्टडी करते हैं, उन क्वेश्चनों को पढ़ते हैं, उसके बाद उनके परफेक्ट सॉल्यूशन सर्च करते हैं, उस तरह से वीडियो हम बनाते हैं। फाइनल ईयर के स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं नहीं, इन क्वेश्चनों का आंसर हम पूरे वीडियो में आगे कंप्लीट देखिए, उसके बाद मिलेगा। इलेक्ट्रिकल की कितनी पोस्ट होगी, कंप्यूटर कहाँ से पढ़ें, तो कंप्यूटर हमारे यूट्यूब चैनल से पढ़ें, जो कि ऑलरेडी हमने एक घंटे का वीडियो बना कर रखा हुआ है। उसके अलावा हमारी 2-3 वीडियो और भी कंप्यूटर पर आएंगी, जो कि सिर्फ उसका मेन मोटो है सब इंजीनियर एग्जाम में
सारे कंप्यूटर सेक्शन के क्वेश्चन को सही करना है। कौन सा न्यूज़पेपर में नोटिफिकेशन आया, तो न्यूज़पेपर नोटिफिकेशन में अभी नहीं आया क्योंकि अभी ऑफिशियल ऑफिशियल जो साइट है मध्य प्रदेश की पीबी की व्यापम की उस पर आया है। उसके अलावा नानटेक की बेस्ट साइट कौन सी है, तो नानटेक की बेस्ट साइट जैसे हमारा यूट्यूब चैनल है, उसके अलावा आप हमसे कॉन्टेक्ट करिए तो हम आपको सारे डिटेल में बताएंगे। उसके बाद 8 सेमेस्टर के स्टूडेंट फॉर्म डाल सकते हैं या नहीं, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। उसके अलावा चाहिए कि ये सब नहीं है बचा अब इस क्वेश्चन, क्योंकि वैकेंसी ऑलरेडी क्लियर क्रिस्टल क्लियर हो चुका है कि सब इंजीनियर की वैकेंसी 3435 पोस्ट हैं, वहीं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी 478 है। पोस्ट कितनी रहेगी, तो पोस्ट जैसा कि हमने बता दिया। और सर उसके बाद किस सिविल की बुक कौन सी है, तो सिविल की बुक हम ऑलरेडी अपने चैनल पर बताते रहते हैं कि कौन सी बेस्ट बुक है। पेपर कौन सी लैंग्वेज में आता है, तो पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आता है। और इलेक्ट्रिकल आईटीआई है तो एलिजिबल हूँ या नहीं, तो इसके लिए जैसे कि आपको इसको पता है कि डिप्लोमा डिग्री मिनिमम क्राइटेरिया होता है सब इंजीनियर फॉर्म भरने के लिए। तो आइए स्ट्रेटजी और प्लानिंग की बात करें, क्योंकि 3435 पोस्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा भी हैं और ज़्यादा कम भी हैं, क्योंकि एक आपको सिर्फ एक पोस्ट की रिक्वायरमेंट है और एक पोस्ट पाने के लिए आपको एक बाकी लोगों से लाखों लोगों से एक स्मार्ट स्ट्रेटजी फॉलो करना होगा। तो एक स्मार्ट स्ट्रेटजी कैसे फॉलो करें और कितने कौन हम एक सीट अपनी सुनिश्चित कैसे करें, इसके लिए हम आपको एक स्ट्रेटजी और प्लानिंग देते हैं। जैसे कि आपके पास अवेलेबल टाइम कितना है, तो आपके पास अवेलेबल टाइम है 66 दिन यानी 66 दिन है। 66 दिन कैसे, अप्रैल महीना पूरा, उसके बाद मई महीना पूरा, और उसके बाद 6 दिन जो एक्स्ट्रा बचते हैं। तो इन 66 दिनों में हमारे स्ट्रांग और कैसे पढ़ें इसके बारे में हम डिटेल में बताएंगे आपको। जैसे कि सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है, तो सिलेक्शन प्रोसेस एक रिटन एग्जाम होता है, रिटन मतलब नॉट ए रिटन, कंप्यूटर यानी सीवीटी पैटर्न पर कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है। और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम कितने घंटे का होता है, तो 3 आवर का होता है। उसके अलावा इसमें 200 क्वेश्चन होते हैं, 100 टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं और 100 नॉन टेक्निकल के क्वेश्चन होते हैं। तो 100 टेक्निकल के क्वेश्चन जैसे आप जिस ब्रांच से हैं, जैसे सिविल ब्रांच के हैं तो सिविल के क्वेश्चन, इलेक्ट्रिकल ब्रांच के हैं तो इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन, मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के क्वेश्चन। उसके बाद इंटरव्यू ऐसे कर सकते हैं कि एक मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। उसके बाद इसकी सब इंजीनियर की सैलरी कितनी होती है, तो पे स्केल क्या होता है, तो 9300 से 34800 रुपये होता है। तो ए स्केल फॉलो होता है। और ये ग्रेड कौन से ग्रेड पर वैकेंसी ए स्केल है, तो ये ग्रेड 3 लेवल का स्केल है। तो ये प्रोसेस होता है सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद पेपर सिंगल पेपर होता है, सिंगल पेपर कितने एक पेपर होता है जो कि 3 आवर का होता है, 200 MCQ होते हैं, 100 टेक्निकल 100 नॉन टेक्निकल। उसके अलावा मोड ऑफ एग्जामिनेशन, तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होता है, तो कंप्यूटर बेस्ड मोड होता है और 3 आवर का पेपर होता है। सब्जेक्ट कौन सी है, जैसे सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्ट है और नॉन टेक्निकल, अगर आप इलेक्ट्रिकल के हैं तो इलेक्ट्रिकल की सब्जेक्ट पढ़ लीजिए, मैकेनिकल के तो मैकेनिकल के, तो इसमें 100 क्वेश्चन आते हैं, यहाँ से भी 100 क्वेश्चन आते हैं। पर क्वेश्चन पे 1 मार्क होता है, निगेटिव मार्किंग बिल्कुल भी नहीं होती है, यानी आप सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लीजिए और जिससे कि आपको ज़्यादा मार्क बेनिफिट हो। तो सिविल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी सब्जेक्टें होती हैं, जैसे कि सिविल इंजीनियरिंग की सब्जेक्टें होती है रेलवे इंजीनियरिंग, सॉइल मैकेनिक्स, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग, सर्वेइंग, सोम, इरिगेशन इंजीनियरिंग, उसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स, उसके बाद ओपन चैनल फ्लो जैसी सब्जेक्टें होती हैं। वही अगर आप सपोज कीजिए कि आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं, तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की कौन सी सब्जेक्टें होती हैं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर की सब्जेक्टें होती हैं मेजरमेंट, डिजिटल सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, नेटवर्किंग, ये सब्जेक्टें काफ़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। वहीं नॉन टेक में कौन सी सब्जेक्टें आती हैं, तो नॉन टेक में जैसे कंप्यूटर आता है, उसके बाद हिंदी आता है, उसके बाद इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ और एप्टीट्यूड आता है, और इन सब क्वेश्चनों को काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस तरह से सब्जेक्ट का डिवाइडेशन होता है, पेपर 2 घंटे 3 घंटे का होता है और 200 क्वेश्चन होते हैं। तो जैसे कि नॉन टेक सब्जेक्टों के बारे में बात करें, तो नॉन टेक सब्जेक्ट का जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से जो कि मध्य प्रदेश जीएस और स्टेटिक जीएस के क्वेश्चन, हिस्ट्री के क्वेश्चन आते हैं, इससे 16 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। और ये नॉन टेक कितने नंबर का होता है, तो 100 नंबर का होता है। और वहीं टेक कितने का होता है, तो 100 नंबर का है। हिंदी में 14 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश में 14 मार्क के, जनरल साइंस के 14 नंबर के, मैथ के 14, रीजनिंग के 14 और कंप्यूटर के 14। तो इन सब मिलाकर
ये क्राइटेरिया होता है जो कि अलग अलग सेक्शन से इतने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप नॉन टेक इन सभी टॉपिकों को हमारे यूट्यूब चैनल पर देखेंगे तो इन सब टॉपिकों पर वीडियो बनाई हुई है, और इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको काफ़ी इधर उधर खोजने और अपना टाइम वेस्ट करने में दिक्कत टाइम वेस्ट न हो। इसलिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे कि एक सिंगल प्लेलिस्ट में आपको सारे सारे नॉन टेक पोर्शन मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे कि जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज कहाँ से पढ़े, जनरल नॉलेज तो इंडिया एंड वर्ल्ड हिस्ट्री जनरल नॉलेज में आता है, इंडिया एंड वर्ल्ड जियोग्राफी आता है, इंडियन नेशनल मोमेंट, कल्चरल हेरिटेज, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या होता है, तो जैसे पॉलिटी में पढ़ते हैं जैसे कितने अमेंडमेंट हुए, कॉन्स्टिट्यूशन में कितने आर्टिकल हैं, कितने अमेंडमेंट हैं, फंडामेंटल राइट क्या है, DPSP क्या है, उसके बाद गोलकनाथ केस क्या था, मिनरवा मिल क्या था, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। वही इकोनॉमी क्या होती है, तो माइक्रो इकोनॉमी, मिनी इकोनॉमी, इन सब के बारे में हम पढ़ते हैं। कैपिटल और कंट्री के बारे में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च क्या हो रहे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, स्पेस और IT, इन सभी टॉपिकों को हमारे चैनल पर बहुत ही डिटेल में वीडियो पढ़ी हुई है जो कि सिर्फ सब इंजीनियर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनाई गई हैं। उसके बाद इंडियन पॉलिटी सिस्टम क्या होता है, इंपॉर्टेंट डाटा, इवेंट, डे, इन सब टॉपिकों को काफ़ी डिटेल में बनाया गया। तो इस जो जनरल नॉलेज टॉपिक है इससे कितने मार्क के क्वेश्चन आते, तो 16 नंबर के क्वेश्चन आएंगे जो सब इंजीनियर एग्जाम में काफ़ी पॉइंट और काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखते हैं। उसके बाद हिंदी आता है, तो हिंदी में ग्रामर, वोकैब सेक्शन जो कि हिंदी के शुद्ध उच्चारण, शुद्ध प्रोनाउंसिएशन, उसके बाद पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, लोकोक्तियाँ और कहावतें, और उसके बाद एक पैराग्राफ में फिलिंग द ब्लैंक आता है। उसके बाद कंप्रिहेंशन पैसेज आता है, वन वर्ड सब्टिशन जो कि अनेक अनेकार्थी शब्दों के एक शब्द जैसे टॉपिक आते हैं। तो इसके कितने मार्क होते हैं, तो 14 नंबर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद इसी तरह इंग्लिश का आता है, तो इंग्लिश में ग्रामर, वोकैब, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, इडियम्स, फ्रेज और ये सब आते हैं। उसके बाद वन वर्ड सम्पटिशन आता है, एक मिनट। उसके बाद मैथमेटिक, तो मैथमेटिक्स मैथमेटिक में चैप्टर नंबर सिस्टम, डाटा इनसफिशियंट, उसके बाद डेसिमल, फ्रैक्शन, एज प्रॉब्लम, रेशियो प्रोपोर्शनल, प्रॉफिट लॉस, HCF, सिंपल इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, परसेंटेज एवरेज, ये टॉपिक हैं। उसके बाद इस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, तो 14 क्वेश्चन आते हैं जो कि। उसके बाद जनरल साइंस, जनरल साइंस में जो कि 10th लेवल के आता है, उसके अलावा इसमें जनरल साइंस में फिजिक्स टॉपिक से आता है, उसके बाद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी के जो जितने क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं, उसके अलावा जो नए इन्वेंशन होते हैं, डिस्कवरी होती है, इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं साइंस में। उसके बाद कंप्यूटर जो कि मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसमें 40 मार्क के क्वेश्चन आते हैं जिसमें से MS वर्ड, MS ऑफिस, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल, विंडो, इंटरनेट यूजर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और ये सब टॉपिक आते हैं। उसके अलावा जो कि काफ़ी इन्वेंशन होते हैं जैसे कंप्यूटर में KB और KB, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर के यानी वर्ल्ड वाइड वेब के इन्वेंशन किसने किया, इस टाइप के क्वेश्चन जो कि इन्वेंशन से रिलेटेड होते हैं वो कंप्यूटर में पूछे जाते हैं। उसके अलावा कंप्यूटर में जो कि की होते हैं जैसे कौन से की से कमांड दिए जाते हैं, इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आते हैं। उसके बाद सिविल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट हैं जैसे कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, उसके बाद बिल्डिंग मटेरियल, उसके बाद थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, सर्वेइंग और ये टॉपिक होते हैं, इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। उसके अलावा ये पेपर जो कि डिप्लोमा बेस होता है, इसलिए इसमें सिविल इंजीनियरिंग में जो कि बिल्डिंग मटेरियल टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा ब्रिज इंजीनियरिंग से जो कि ब्रिज डिजाइन होता है, या ब्रिज इंजीनियरिंग से जो कि IRC 27 कोड से क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, जो ब्रिज के लेंथ, स्पैन और इन सब टॉपिकों से क्वेश्चन आते हैं। उसके अलावा बाकी सिविल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट जैसे कि बिल्डिंग मटेरियल, सर्वेइंग, ये दो सब्जेक्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं मध्य प्रदेश सब इंजीनियर में। उसके अलावा जैसे बिल्डिंग मटेरियल, सॉलिड मैकेनिक्स, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, पाइप फ्लो डिजाइन, स्टील स्ट्रक्चर कैसे होते हैं जैसे कि उसके अलावा ओपन चैनल फ्लो, हाइड्रोलॉजी, उसके बाद कंस्ट्रक्शन पाइप, फ्लूइड मैकेनिक्स, सर्वेइंग, ये टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं।
उसके अलावा टेस्ट सीरीज कौन सी बेस्ट है, तो मध्य प्रदेश सब इंजीनियर के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो मतलब जो पूरे सिलेबस को कवर करती है वो इम्पोर्टेंट रखती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।